नहीं, वो कुछ देशों द्वारा किया जाता है, भारत के तौर से आधिकारिक मैप यही है, ठीक है। कई देश क्या करते हैं ना, जिस क्षेत्र का पर जिस क्षेत्र जिस देश का नियंत्रण हो वो उसके क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं, वो उसे विवादित नहीं मानते, ठीक है। तो पाकिस्तान जो मैप निर्धारित करता है उसमें वो पूरा जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है वो लेह लद्दाख, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उसे पाकिस्तान का क्षेत्र मानते हैं क्योंकि वो चीन के कब्जे में है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। वो विवादित तो है बट वो मानते क्या है कि अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए वो इस तरीके से मैप बनाते हैं। तो भारत का जो शीर्ष है बेटा वो दोनों तरफ से कटा हुआ है आज की तारीख में, ना तो ये कोना है हमारे पास ना वो कोना है हमारे पास, राइट। ये तो अलग अलग देशों की अलग अलग नीतियां। नहीं, हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, हाँ, बट वो नीतियों की वजह से भारत और उन देशों के मध्य संबंधों पे प्रभाव जरूर पड़ता है। मान लो कोई देश है तुर्की, तुर्की जब अपना नक्शा या फिर इस तरह की बातें करता है तो वो हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, और जिसकी वजह से भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है भारत के खिलाफ, कश्मीर को मानता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम तुर्की के साथ संबंध नहीं बनाते, राइट। सो ये प्रभावित करते हैं, अनिवार्य नहीं है मानना हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए हमेशा से जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा रहेगा जब तक हम उसे पूरी तरीके से कब्जे में ना ले लें, ठीक है। और जब पूरी तरीके से कब्जे में ही ले लिया तो फिर तो भारत का ही है, राइट। और अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा है, ये चीज है, डन। आगे बात समझ में? सो ये तीसरी चुनौती थी जो पंडित नेहरू को देखने को मिली, ठीक है। और जब चीन युद्ध हुआ तो ये कहा जाता है कि चीन युद्ध का सदमा इतना गहरा था पंडित नेहरू के मन में, ठीक है, कि 2 वर्ष पश्चात ही पंडित नेहरू की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। जबकि असलियत कुछ और है, असलियत ये है कि पंडित नेहरू बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, गुस्सा मत हो बेटा, है ना। 1960 के दशक की शुरुआत में ही, 1960 से ही ये प्रश्न उठना शुरू हो गया था कि नेहरू के बाद कौन। इसका मतलब सबको यह अंदेशा था कि पंडित नेहरू अब बुजुर्ग हो चुके हैं, भारत को भावी नेतृत्व की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बट वो 1962 का जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के दिमाग में प्रभाव तो क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि जिस हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ हमारे पंडित नेहरू लगे हुए थे, ठीक है, उसी भाई ने भारत पे हमला किया था, ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी है? पंडित नेहरू की। तो प्रभाव तो था बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चीन युद्ध की वजह से पंडित नेहरू की जान गई, राइट। सो ये वो स्थिति थी जो पंडित नेहरू के शासनकाल के दौरान में हुई। आई बात समझ में? सो पंडित नेहरू का कार्यकाल समझ में आ गया। इस दौरान भारत की विदेश नीति किस तरह की विदेश नीति रही है? डन। अब पंडित नेहरू के बाद फिर सवाल खड़ा हुआ कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई, ठीक है, चुनाव तो 62 में हो चुके थे, ठीक है। तो तुरंत तुरंत गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और अगले प्रधानमंत्री के लिए दो प्रमुख दावेदार थे, एक मोरारजी देसाई और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। अंततः लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, डन। शास्त्री का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, 1964 से लेकर 1966 की जनवरी तक, ठीक है। बट इस शासनकाल के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी भारत और पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। 1962 में जब चीन से भारत हारा उसका परिणाम ये निकला कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो हौसले थे भारत को लेकर वो बुलंद हो गए, ठीक
अगर चीन हरा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं, ठीक है। और मैंने जैसा तुम लोगों को पहले भी बताया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद थे वो सुलझे नहीं थे, ठीक है। जो पूरा का पूरा सीमा विवाद था वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर आधारित हो गया, ठीक है। बट जबकि सीमा विवाद गुजरात की सीमा पर भी है, राजस्थान के क्षेत्र में भी है, ठीक है, और कश्मीर तो है ही। क्यों? क्योंकि रेडक्लिफ भाई साहब जल्दबाजी में नक्शा बना के गए थे, तो कई क्षेत्र ऐसे ऐसे थे जो सही रूप से नामांकित नहीं किए गए थे, राइट। सो इस सिनारियो में इट वॉज अ प्रॉब्लम, और परिणाम ये निकला कि 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने, शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था शास्त्री के कार्यकाल के दौरान वो था पाकिस्तान के साथ युद्ध। कब? 1965। और इस युद्ध में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर भारी पड़ा, और न केवल भारी पड़ा, भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पार की गई, पाकिस्तान वाले कश्मीर क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाया। न केवल पाकिस्तान वाले कश्मीर क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाया, भारतीय सेना अमृतसर से आगे बढ़ते हुए लाहौर तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो हम जीते तो है ही, बट हमने पाकिस्तान के क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लिया, राइट। बट इस परिस्थिति में जब युद्ध समाप्त करने की बात आई, ठीक है, तो रूस के राष्ट्रपति कोसिजिन द्वारा भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों को बुलाया गया कि युद्ध से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों आइए, ठीक है, बातचीत करते हैं, और बातचीत से इस युद्ध का, इस जो विवाद है, इसका हल निकालते हैं, ठीक है। कौन पहुंचे भारत की तरफ से? शास्त्री जी। और पाकिस्तान की तरफ से? अयूब खान। ठीक है, और बुलाया कहाँ गया? बुलाया गया कि बोले ताशकंद आइए, ताशकंद में बैठ के बातें करेंगे और इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट जब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो गेम पहले से सेट था कि शास्त्री जी को इतना दबाव में ले आना है कि शास्त्री जी रूस की बात मानने को तैयार हो जाए, उनके पास कोई विकल्प ना बचे, ठीक है। और शास्त्री जी पर इतना दबाव डाला गया कि बाहर उस कमरे से शास्त्री जी को इसी शर्त पर निकलने दिया गया कि वो उस समझौते पर हस्ताक्षर करे। और उस समझौते की जो शर्तें थी वो ये थी कि भारत ने युद्ध के दौरान जितना भी क्षेत्र कब्जे में लिया है वो पूरा का पूरा लौटाएगा, ठीक है। 1961 की जो स्थिति थी उस स्थिति पे भारत वापस लौटेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जितने भी युद्ध बंदी है उन्हें लौटाया जाएगा, ठीक है। इस तरह की बड़ी ही कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर किया गया, ठीक है। और 9 जनवरी की रात शास्त्री जी ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। उसके बाद जब शास्त्री जी अपने कमरे में पहुंचे तो अगली सुबह वो अपने कमरे में मृत पाए गए, ठीक है। आधिकारिक जानकारी ये है कि शास्त्री जी की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई, हार्ट अटैक आया था शास्त्री जी को, इतना ज्यादा प्रेशर था, ठीक है, तो शास्त्री जी हार्ट अटैक से मर गए। डन।
यही तो बात है ना बेटा, ठीक है, यही तो खेल है राजनीति का, ठीक है, कि रूस हमारा दोस्त होने के बावजूद भी ताशकंद में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पहला। दूसरा, रूस के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो रही है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बेटा, ठीक है, मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि हत्या हुई है, ठीक है, क्योंकि वाकई में शास्त्री जी की हत्या की गई है, उन्हें जहर दिया गया था, ना कि उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई थी, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताई गई किसी को बेटा, ठीक है, किसी तरह की कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई, और जो जांच की गई वो की गई केजीबी द्वारा, जो पाकिस्तान, जो रूस की सीक्रेट सर्विसेज है, ठीक है, और उस रिपोर्ट को किसी को नहीं बताया गया। मतलब सोच सकते हो, किसी देश के प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में मृत्यु हो रही है और उस पूरे घटनाक्रम की कोई जांच नहीं हो रही है, क्यों विद्रोह होगा बेटा, क्यों विद्रोह होगा, है ना। अगर शास्त्री जी को मरवाने वाला भारत में ही होगा, तो भारत का ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शास्त्री जी को मरवाना चाहता है तो, और वो ही रूस को मदद कर रहा है कि शास्त्री जी वापस नहीं आने चाहिए, तो फिर क्यों विद्रोह होगा, ठीक है, और फिर पैसा आएगा अटैची भर भर के, तो कौन बोलेगा, कोई नहीं बोला। है ना, तो वो हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी बेटा, जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, आदरणीय, ठीक है। सो शास्त्री के मृत्यु के पीछे पूरा का पूरा इंदिरा गांधी का हाथ है, ठीक है, ये एक ऐसा सच है जो कभी किसी को नहीं बताया जाता, आधिकारिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बट ये सबको पता है कि शास्त्री की मृत्यु इंदिरा के कहने पे हुई थी, क्यों, क्योंकि इंदिरा पंडित नेहरू के काल से ही प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, या खुद को पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी समझ रही थी, और उसके बाद जब नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री बने, तो इंदिरा के लिए अपमान था, ठीक है, तो ऐसे में शास्त्री की हत्या करवाना बहुत अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। और जब ये हुआ तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है, तो जब भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, अगर वही रूस के साथ है, ठीक है, तो फिर ना तो पोस्टमार्टम पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, ना ही जांच करवाई जाएगी, और जांच की जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। किस्सा खत्म, डन। इतिहास में बहुत सारे ऐसे राज है बेटा, ठीक है, जो अगर उजागर हो गए, ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, राइट, क्या बेटा, अब कर भी क्या लेंगे, ठीक है, अगर अब सामने भी आ जाते हैं तो क्या ही होगा। हाँ ये है कि कांग्रेस का पतन और हो जाएगा, जो अभी 99 आई है वो 9 पे आ जाएंगे बस। उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था, उससे ज्यादा यहाँ पे शक्तिशाली इंदिरा गांधी थी, क्या इसलिए रूस के साथ दोस्ती जवाहरलाल नेहरू की भी थी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा हमेशा रही है, ठीक है, और केजीबी, ठीक है, रूस की जो सीक्रेट सर्विसेज है वहां पे पैसा चलता है बेटा, राइट, सो काम स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और सिंपल सी चीज है ना, अगर शास्त्री जी मरते हैं
तो फायदा किसको होगा सबसे ज्यादा? इंदिरा को। और अगर इंदिरा को फायदा होता है प्रधानमंत्री के रूप में, इंदिरा बनती है, तो फिर इंदिरा रूस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि पाकिस्तान सीएटओ ज्वाइन कर चुका है ना। ठीक है, तो शीत युद्ध भी तो चल रहा है, शीत युद्ध भी तो देखना है ना रूस को। अब रूस इसके लिए दो बातों पे समर्थन किया था, रूस क्यों ये काम किया था, क्योंकि एक तरफ इंदिरा का समर्थन मिल रहा था रूस को, दूसरा रूस क्यों इतना ज्यादा पाकिस्तान को समर्थन किया, क्योंकि 1960 के दशक में ये हालांकि ऑप्शनल लेवल का कंटेंट है बट तुम लोग समझ लो, 1960 के दशक में एक नया गुट बन रहा था एशिया में, अमेरिका और पाकिस्तान तो दोस्त है ही, सीएटओ ज्वाइन कर ही चुका है पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान और चीन भी दोस्त है ही, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है, तो ये दोनों एक साथ 1960 के दशक में पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि इन दोनों को साथ में ले आया जाए। तो पाकिस्तान द्वारा 1960 के दशक की शुरुआत में ये कोशिश की गई कि चीन और अमेरिका की दोस्ती करवाई जाए, ठीक है, और अगर चीन और अमेरिका की दोस्ती हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? रूस को। भारत तो गुटनिरपेक्ष है, भारत को कोई मतलब नहीं है, करो तुम्हें जो करना है, बट सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? रूस को। क्यों? क्योंकि चीन साम्यवादी है, और अगर अमेरिका चीन का समर्थन करना शुरू कर दे तो अमेरिका अब खुद ना लड़के चीन को लड़वाएगा किससे? रूस से। दोनों के बीच लड़ाई होगी कि साम्यवादी विश्व का नेतृत्व कौन करेगा, तो रूस के लिए और खतरनाक स्थिति। इसीलिए 1965 में रूस पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से यहां से हटकर रूस की तरफ झुक जाए, और इसीलिए ताशकंद से पहले अयूब खान और पोसिजन मोरक्को में मिले थे सीक्रेटली, ठीक है, तो वो भी एक कारण था क्यों रूस ने ताशकंद में पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया भारत की तुलना में, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी तो कुछ चीज होती है ना, राइट, ये स्थिति थी। हाँ बेटा, स्कोप, स्कोप, हाँ हाँ, कुलदीप नायर की एक और बुक है बेटा स्कूप, उसमें भी लिखा हुआ है, कुलदीप नायर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि शास्त्री जी की मृत्यु मृत्यु नहीं है, हत्या है। शास्त्री जी वहां गए थे, ताशकंद में मौजूद थे, सॉरी नायर साहब वहां मौजूद थे शास्त्री जी के साथ, क्योंकि पहले क्या होता था, जब कोई प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे में जाता था तो उनके साथ पत्रकारों का एक दल जाता था, भारतीय पत्रकारों का, अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा, अब कोई पत्रकार नहीं जाता आधिकारिक रूप से, राइट, ये चीज क्यों, क्योंकि कुलदीप नायर साफ साफ लिखते हैं कि शास्त्री जी के जो निजी रसोइये थे उन्हें नहीं ले जाया गया, शास्त्री जी के जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें बदला दिया गया, ठीक है, शास्त्री जी के कमरे में किसी को आने जाने नहीं दिया गया, ठीक है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अंधेरे में है या जो कटघरे में है, जिसका जवाब कुछ नहीं है बेटा। तो
प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी की हत्या, ठीक है, भारत और रूस दोनों के द्वारा की गई है। उसका फायदा उसी को होगा, ये हत्या वही करवाएगा जिसे इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। वो फायदा जिसे सबसे ज्यादा हुआ वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और कहानी ये भी है कि इस हत्या के बाद, ठीक है, तीन बड़े बड़े सूटकेस भर के भारत में पैसा आया है, रूस द्वारा भेजा गया है, राइट, दिस इज व्हाट द सिनेरियो, ठीक है। तो राजनीति में बेटा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एथिक्स, राजनीति में नैतिकता है ही नहीं, डन। ये हो गया शास्त्री का कार्यकाल। अब जब शास्त्री की मृत्यु होगी तो फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन होगा उम्मीदवार, दो उम्मीदवार, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ठीक है। अब फिर से इंदिरा गांधी उस पैसे का प्रयोग करेगी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, और शास्त्री के बाद अगली प्रधानमंत्री बन जाएगी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई को गुस्सा आएगा, वो कांग्रेस छोड़ देंगे, ठीक है, वो कांग्रेस ही छोड़ देंगे। और फिर यही मोरारजी देसाई 1977 में जाके जनसंघ के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, राइट। अब शास्त्री जी का कार्यकाल समाप्त, अब अगला कार्यकाल इंदिरा का। कहानी समझ में आ गई, लिखना है ये शास्त्री का कार्यकाल, हाँ, आवश्यक नहीं है, है ना, कहानी सुनी ली है ना, लिख लो 50 शब्दों में अपने खुद के, लिख लो बेटा शास्त्री का कार्यकाल 50 शब्दों में लिखो, हाँ अभी, पहले लिखो फिर ब्रेक दूंगा, कोई बात नहीं, 2 बजे तक क्लास लेंगे अपन। क्या हुआ, लिख चुके हो सारी कहानी, लिख चुके हो, बस तो फिर अब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा है बेटा, शांत रहो, तानाशाही पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है बेटा, याद रखना, अभी समझाया ना तुम्हें, अगर विरोध करोगे तो शास्त्री जी की तरह, है ना, तो सीखो कुछ शास्त्री जी से, है ना, कि विरोध नहीं करना है। इंदिरा गांधी करना वही है जो मैंने चाहा है, है ना। तो तुम लोग कितने भी विरोध कर लो बेटा, कुछ होगा क्या, नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम चाहते हो मैं विरोध का क्रूरता पूर्वक दमन करूं, नहीं ना, हाँ तो बस शांत रहो फिर। इंदिरा गांधी का जो पहला कार्यकाल चला है वो 1966 से लेकर 1977 तक चला है, और दूसरा कार्यकाल जो इंदिरा गांधी का आया है वो आया है 1980 से लेकर 1984 तक। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, वो कुछ 15-20 दिन के लिए, बट वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, हमारे लिए वो कार्यकाल महत्वपूर्ण है बेटा जो विदेश नीति के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए हम सारे प्रधानमंत्रियों की बात नहीं करेंगे, हम नहीं बात करेंगे वीपी सिंह की, हम नहीं बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की, हम नहीं बात करेंगे देवेगौड़ा साहब की, क्योंकि वो विदेश नीति के परिपेक्ष में जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। बट जब हम इंदिरा की बात करते हैं तो इंदिरा के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला कि भारत की विदेश नीति जो आदर्शवादी विदेश नीति थी, इंदिरा के कार्यकाल के दौरान यही विदेश नीति यथार्थवादी विदेश नीति बन गई, ठीक है, लिखिए।
इंदिरा के कार्यकाल के दौरान, इंदिरा के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति, इंदिरा के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति से परिवर्तित होकर आदर्शवादी विदेश नीति से परिवर्तित होकर यथार्थवाद की ओर अग्रेषित हो गई, यथार्थवाद की ओर अग्रेषित हो गई। जहां नेहरू के कार्यकाल के दौरान, जहां नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत द्वारा, जहां नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत द्वारा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया गया, भारत द्वारा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया गया के दौरान, भारत द्वारा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया गया इंदिरा गांधी के दौरान, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसे बदलकर भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र पर केंद्रित किया गया, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र पर केंद्रित किया गया। इंदिरा का मानना था कि भारत वैश्विक स्तर पर उसी स्थिति में तरक्की कर सकता है, जब भारत उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में निर्विरोध स्थापित हो जाए। डन। तो ये था इंदिरा का दृष्टिकोण। और अब जो इंदिरा विदेश नीति अपनाएगी, ठीक है, वो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपनाएगी कि भारत तब तक वैश्विक स्तर पे नहीं बनेगा जब तक भारत अपने पड़ोस की जितनी भी समस्याएं है उस पर ध्यान ना केंद्रित कर ले, उसे ना सुलझा ले, क्योंकि इस समय तक आते आते बेटा कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भारत के सामने आ गई थी। एक श्रीलंका का संकट था, एक पाकिस्तान का संकट था, ठीक है। तो ये दो संकट भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, राइट। तो इंदिरा का दृष्टिकोण क्षेत्र में है। डन। चलो ले लो भाई ब्रेक, ले लो तुम लोग, एक पॉज कर देना इसे ना, ब्रेक की आदत बेटा बंद करो एटलीस्ट आईआर में, ठीक है।